हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यानी कि आरआरबी ने रिलीज़ कर दिया है CEN 03/2018 और ये है आपका जेई और डीएमएस और सीएमए पोस्टों के लिए। अब ये तीनों पोस्टें क्या क्या हैं, मैं इनके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इन सब पोस्टों की। देखिए जेई का मेन रिक्रूटमेंट है जिसमें 13,000 से ऊपर वैकेंसीज़ हैं और अगर मैं मिला देता हूँ उसमें डीएमएस और सीएमए की वैकेंसीज़ तो कुल मिला के 14,000 वैकेंसीज़ हैं इन सभी पोस्टों को मिला के। तो रेलवे का एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट नोटिस है ये और आगे भी इसमें वैकेंसीज इंक्रीमेंट हो सकती हैं। मैं बात करूं डेट की तो देखिए जो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर है वो 2 जनवरी से स्टार्ट है, 31 जनवरी तक आपको फॉर्म भरना है। 2 से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भरना है। जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं 5 फरवरी तक, ऑफलाइन करना है तो 4 फरवरी तक लास्ट डेट है। इसके साथ साथ जो आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है वो है 7 फरवरी, 7 फरवरी को आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तो आपका जो पहला स्टेज एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका अप्रैल या मई में 2019 में। आगे चलते हैं और देख लेते हैं अब सारी इन्फॉर्मेशन इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है इसके अंदर। अब अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 31 जनवरी 2019 से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर 31 जनवरी के बाद आता है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हैं। 31 जनवरी को भी आपका रिजल्ट आया है तो भी आप एप्लीकेबल हैं लेकिन 31 जनवरी के बाद एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इनिशियल पे की क्या है, तो देखिए 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 35400 आपका इनिशियल पे रहेगा इन सभी पोस्टों के लिए और 7th CPC के अकॉर्डिंग है ये और लेवल 6 की ये जॉब है तो याद रखिएगा इसको भी। इसके साथ साथ देखिए आप एक ही आरआरबी से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आरआरबी आपको एक ही चूज़ करनी पड़ेगी और उसी आरआरबी की वैकेंसीज़ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आरआरबी कलकत्ता से भी फॉर्म भर देंगे, आरआरबी भुवनेश्वर से भी फॉर्म भर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और आफ्टर दैट हम बात करते हैं फाइनल की एलिजिबिलिटी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पर देखिए स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की भी यहाँ पर एक छोटा सा नोट दे रखा है जिसमें 2 स्टेज आपका एग्जामिनेशन होगा, 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका। पहले स्टेज से 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे और फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको सेकेंड स्टेज के लिए जिसमें आपके कॉल लेटर्स इशू होंगे, जो बच्चे फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेंगे उनके लिए। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दी हुई है स्टूडेंट, देखिए 1/3 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इस एग्जामिनेशन में और कई सारे आर्टिकल्स बैन हैं उसके बारे में भी यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है नोटिस के अंदर। वही मैं बात करता हूँ अगर इनकी मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तो वहाँ वो भी चीज़ें इंक्लूडेड है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए मैं मेडिकल फिटनेस की बात कर लूँ, एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं 3 प्रकार के, A3, B1, B2, C1। अब इनके अंदर बेसिक डिफरेंस जो है वो है आपके आई का, आई कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइंड है। अगर आपके आप विजन आपका सही नहीं है तो आप यहाँ पर मेडिकली फिट नहीं होंगे और फाइनल में आपको निकाल दिया जाएगा जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका रेलवे का। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन, लेकिन यहाँ जो ग्रेजुएशन है वो टेक्निकल ग्रेजुएशन है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 18 से लेकर 33 साल आपकी एज लिमिट रहेगी, लेकिन यहाँ पर रिलेक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलेक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 3 साल का रिलेक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो अलग अलग पोस्टों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा नोटिस के अंदर, बाकी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं लेकिन थोड़ा हमें आगे चलना पड़ेगा इसके लिए। जो टेक्निकल नॉलेज आपकी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 31 जनवरी तक आपकी होनी चाहिए, यही चीज़ हर जगह इंक्लूडेड है। एग्जामिनेशन फीस की बात करता हूँ तो देखिए 500 रुपीज़ रखी गई है आपकी एग्जामिनेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की फीमेल ट्रांसजेंडर्स के लिए यहाँ पर फीस रखी गई है 250 रुपीज़। अब आपके जो 250 रुपीज़ हैं वो रिफंडेबल रहेंगे और जनरल और ओबीसी के 400 रुपीज़ रिफंडेबल रहेंगे। यहाँ पर कुल मिला के फीस वही है 100 रुपये, बस यहाँ पर फीस इंक्रीमेंट करने का मेन उद्देश्य रहा है कि जो एक्सेस में बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं फ्री के चक्कर में वो यहाँ पर नहीं होगी। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में समझाया हुआ है, ये सब अभी आपके काम का नहीं है, जो हम मेन चीज़ें देखेंगे बस। और आगे चल के जो डिग्री है आपकी बैचलर डिग्री यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो इस नोटिस के अंदर हम सीधे वहाँ पर चलते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आपका है वो आरबी का कुछ इस प्रकार है, जो आपका फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन होगा 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर आपके और इसका पैटर्न आपका रहेगा वही जनरल पैटर्न जो कि आप अभी तक देते आए हैं, जिसके अंदर होगा आपका मैथमेटिक्स, वही सारा एसएससी का आपका पोर्शन है, फिर जनरल रीजनिंग वही एसएससी का पोर्शन, फिर जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर आपका करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट इशूज़ इंडिया और उसके रिगार्डिंग करंट अफेयर्स होंगे, बेसिकली वही है जो अभी तक आप देते आए हैं रेलवे के एग्जाम्स में।
अब यहाँ पर देखिए जनरल साइंस का जो पोर्शन होगा उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस आएगी आपकी 10th के CBSE सिलेबस से। अब यहाँ पर जो आपका जो पेपर होगा वो कुछ इस प्रकार डिवाइड होगा स्टेज वन स्टेज टू के अंदर। देखिए मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। पहला स्टेज आपका 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, और वहीं जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15, रीजनिंग के 25 और मैथ्स के 30। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जो आपका सेक्शंस होंगे मार्क्स कैसे डिवाइड हैं, जितने क्वेश्चन हैं उतने ही मार्क्स हैं, और आपके 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा 100 क्वेश्चंस कवर करेगा। तो ये है आपका पहले स्टेज। इसके बाद आते हैं CBT 2, 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे CBT 2 एग्जाम्स के लिए, और उसके बाद आपका पेपर होगा 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे और 150 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 घंटे के अंदर। और ये क्वेश्चन कवर होंगे आपके जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से, और बेसिक इन्वायरमेंट और टेक्निकल एबिलिटीज़ से। अब यहाँ पर इसका जो कोर्स दिया हुआ है वो थोड़ा सा वाइड है, लेकिन हम यहाँ पर इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है आपका जनरल अवेयरनेस है, एक मिनट स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसको। जनरल अवेयरनेस है जिसके अंदर वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी CBT 1 में बताई थी, जनरल इशूज़ के ऊपर, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट इशूज़, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपसे पूछी जाएगी वो आपकी 10th की पूछी जाएगी CBSE सिलेबस, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंप्यूटर बेसिक एप्लीकेशंस आपको MS ऑफिस, वेरियस डाटा इंटरप्रिटेशंस, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, यूनिक्स, इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट पोल्यूशन के ऊपर आपका एक सेक्शन रहेगा डी का, और टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर भी आपका एक अलग से सेक्शन रहेगा जिसमें आपकी टेक्निकल एबिलिटीज़ चेक की जाएंगी। तो कुल मिला के जो आपका सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन होगा उसके भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और कितने मार्क्स वो कैरी करेंगे वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और इसके अंदर मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 40, 30, 20, 30 एंड 25, यानी जनरल के लिए 40, OBC के लिए 30, NSC के लिए 30 और 25% रखा गया ST के लिए। लेकिन यहाँ पर आपकी मेन जो चीज़ होगी वो होगी मेरिट, मेरिट क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वर्चुअल कैलकुलेटर मेड अवेलेबल ऑन कंप्यूटर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल का पेपर है तो आपको यहाँ पर वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा कंप्यूटर मॉनिटर पे, और आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोर्स भी दिए हुए हैं सारे मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग के लिए, जो कोर्स रहेंगे, जो ब्रांचेज यहाँ अप्लाई कर सकती हैं, वो कौन कौन सी एग्जाम ग्रुप ले सकती हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर IT वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस ब्रांच को लेंगे तीसरे को। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, IT है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो ये सारे लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग से ब्रांच है, और प्रिंटिंग के लिए एक अलग ब्रांच है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिनकी BSc फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो CMA का एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आपने BSc कर रखी है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर तो आप इसे भर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है कंप्यूटर साइंस एंड IT के लिए, BTech IT या CS हो, या फिर आपने BSc कर रखी हो कंप्यूटर में, या फिर DOEC का आपका B लेवल का सर्टिफिकेट हो, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाली पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये था सारी चीज़ें स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेज के अंदर। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, अभी आपको बस फोकस करना है इस फॉर्म को भरने में और इसकी तैयारी में लग जाइए। यही थी सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिस के अंदर, कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। सो गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो ALP और टेक्नीशियन का जो कोर्स हुआ था आपका CBT 1 का, बिल्कुल बेसिक जो लेवल रहेगा वही रहेगा एग्जाम का, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपका जो CBT 2 होगा इसके अंदर वो आपका थोड़ा टेक्निकल होगा, वहाँ से आपके टेक्निकलिटी से थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से। ज़्यादातर पोस्ट JEE की हैं तो वहाँ पर आप OS को थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और बाकी के जितने भी सेक्शंस हैं जहाँ यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, एक बार हम चलते हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ये सभी क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर भी आपका काफ़ी बड़ा एक पोर्शन है,
तो इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आने हैं, तो 10 क्वेश्चन देखिए आपके आने हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15, जनरल अवेयरनेस से 15, और इसके बाद बेसिक इन्वायरमेंट पोल्यूशन से भी 10 आएंगे, और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल एबिलिटी से आएंगे। तो टेक्निकल एबिलिटी जो होगा आपका बहुत ही मेजर पोर्शन होगा, अगर आपने टेक्निकल छोड़ रखा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो टेक्निकलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़िए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट और ऐसे ही कुछ और सब्जेक्ट्स थे जो कि आपने पढ़े होंगे अपनी बीटेक में, वो यहाँ पर आपके बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके अलग अलग वेबसाइट्स दी हुई हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको अलग अलग वेबसाइट से मिल जाएगा। कौन सी RRB से अप्लाई करना है मैं आपको ये बताऊँगा डिटेल नोटिफिकेशन में। अगर बात करते हैं वैकेंसीज़ के स्टूडेंट्स, तो नीचे आ जाते हैं, वैकेंसीज़ भी देख लेते हैं एक बार। वैकेंसीज़ के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो कौन सी RRB अप्लाई करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वेट कीजिए उसके लिए, अभी अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग RRBs के अंदर अलग अलग पोस्टें यहाँ पर दी हुई हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।